हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामीज किचन। मैं आप सभी के लिए मलाई कोफ्ता की बहुत ही इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें हम कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आपके जो मलाई कोफ्ता ना एकदम सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल मलाई जैसा, और टेस्ट में तो उसका कोई जवाब नहीं है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटोस लिए। मैंने बॉइल्ड पोटैटोस अराउंड 4 to 5 लिए, और यहाँ पर हमने 200 ग्राम पनीर लिए। इसको भी हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। इसमें हम थोड़ा सा जिंजर, हरी मिर्च और धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने अरारोट इसमें ऐड किया अराउंड 2 टेबल स्पून, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अरारोट इसलिए मैंने इसमें ऐड किया ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पर हमने डो बना लिया है इसका। थोड़ा मिक्सचर लेके हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। मैंने इसको सिलेंड्रिकल शेप में बनाया, जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं अक्सर, और आप चाहे तो आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं। एक एक करके हम सारे कोफ्ते ऐसे ही सेम बना लेंगे। और लीजिए, हमने काफ़ी सारे कोफ्ते बना लिए इससे। अब जो हमने ये कोफ्ते बनाए, इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम इसको पैन में ऐड करते जाएंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ऐसे ही मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए थे। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा घी लिया, उसमें हम थोड़ा सा जीरा, काले मिर्च, लौंग, इलायची ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। आप चाहे तो आप इसमें सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक भी ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने 3 chopped onions ऐड कर दिए। ऑनियन मैंने मीडियम साइज लिए थे। अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें अब हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। टमाटर मैंने अराउंड 4 लिए थे मीडियम साइज के। टमाटर को हमें अच्छे से भूनना है। टमाटर को हमें तब तक अच्छे से भूनना है जब तक इसकी जो स्किन है वो अलग होनी शुरू नहीं हो जाती। और इसमें अब थोड़ा सा हम सॉल्ट और शुगर ऐड कर देंगे। सॉल्ट और शुगर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें 1 मुट्ठी काजू भी ऐड कर देंगे। काजू चाहे तो आप पहले भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने बाद में इसमें ऐड किया, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे अराउंड 1/2 कप। पानी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से कुक होने देंगे अराउंड 10 to 15 minutes, ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर बाद हम जब इसे चेक करेंगे, अच्छे से ये जो स्टीम है वो हो चुके हैं, टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुके हैं। इसकी हम प्योरी बना लेंगे। अब मैंने पैन में थोड़ा सा देसी घी ऐड किया था, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए हम इसे भून लेंगे। हमें लो फ्लेम पे इसको भूनना है। अगर आप हाई पे करेंगे तो जो मसाले हैं वो जल जाएंगे और इसका कड़वा फ्लेवर आएगा फिर तड़के में। और जो हमने प्यूरी बनाई थी इसको भी ऐड कर देंगे हम तड़के में। प्यूरी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है इसका। हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया, जस्ट नेचुरल कलर ही है सारा। हम प्योरी को अच्छे से कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाए, कच्चा फ्लेवर ना आए इसका तड़के में। इसको मैंने अच्छे से 15 से 20 मिनट कुक कर लिया था। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी फ्रेश मलाई ऐड कर दूंगी। ये घर की मलाई है, अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मलाई को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ग्रेवी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। मलाई को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देना है। और उसके बाद हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, और हल्के हाथ से हमें इसको मिक्स करना है, नहीं तो जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बने हैं।
यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए, जब हमने कोफ्ते इसमें ऐड कर रहे हैं हम इसकी फ्लेम तभी ऑफ कर देंगे, नहीं तो जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे, बिकॉज कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो लीजिए मलाई कोफ्ता तो हो चुके हैं रेडी। आई होप आप सबको ये मलाई कोफ्ता का सिंपल सा वर्जन बहुत पसंद आया होगा। और देखिए हमने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया और मलाई कोफ्ता का कलर देखिए कितना बढ़िया आया, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसको हम आपको तोड़ के दिखाएंगे और देखिए कितने सॉफ्ट बने, हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।